हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा थाना पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर FD व RD के नाम पर लोगों से करोड़ों का निवेश कराकर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के निदेशक व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा पुलिस थाना पर अमृतलाल पिता शंकर लाल परमार निवासी पादरा ने एलाई ग्लोबल नाम की कंपनी के निदेशकों व प्रबंधक के खिलाफ एजेंट बनाकर लोगों से RD व FD के नाम पर करोड़ों रुपयों का निवेश करवा कर तथा समयावधि पूर्ण होने पर मैच्योरिटी की राशि नहीं लौटा कर ऑफिस बंद करके फरार हो जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया था। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तकनीकी आधार पर अनुसंधान पूर्ण कर उपरोक्त वर्णित एलाई ग्लोबल कंपनी के निदेशक उमेश पंजाबी पिता बाल कृष्ण पंजाबी निवासी नडियाद गुजरात एवं सागवाड़ा ब्रांच के मैनेजर मुकेश पिता विजय लाल खराड़ी निवासी मांडव पुलिस थाना वर्दा को गिरफ्तार किया गया है। फरवरी माह में अमृतलाल निवासी पादरा ने सागवाड़ा थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि उसने एलाई ग्लोबल कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, उसमें उसको रिटर्न मिलना था। उसके बाद में 3 साल और 5 साल के लिए निवेश का झांसा देकर तो उसकी मैच्योरिटी हो गई, तब उसको पैसे रिटर्न नहीं मिले। उस पर FIR दर्ज की। FIR 48 नंबर 420 406 मुकदमा दर्ज हुआ। हरी सिंह SI अनुसंधान कर रहे थे। उसमें अनुसंधान के दौरान पाया कि संजय भट्टाचार्य, शशि दरोलिया और उमेश पंजाबी नाम के 3 जिन्होंने अहमदाबाद में एलाई ग्लोबल नाम से कंपनी खोली 2016 में, उसकी एक ब्रांच यहाँ पे सागवाड़ा में भी खुली थी, जिसमें मुकेश खराड़ी करके यहाँ पर ब्रांच मैनेजर था, वो संचालित कर रहा था। उसमें प्रार्थी अमृतलाल ने पैसे निवेश किए थे। अनुसंधान में ये भी आया कि इन्होंने शुरू में तो रिटर्न दिया, कुछ को लोन भी दिए 2 लाख 5 लाख के, लेकिन करीब 2020 में कंपनी जब उसका वाइंड अप करके यहाँ से चली गई, और ये फंड करीब था 2.5 करोड़ के आसपास का। इस तरह से टोटल हेरा फेरी इसकी गबन करके आम आदमी का पैसा, उसमें सैकड़ों जनों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, बोलिए फिर यहाँ से कंपनी। अनुसंधान के दौरान फिर आज 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकेश खराड़ी को झाड़ोल से, जो वहाँ पे ऐसी ही एक चिटफंड कंपनी रीति सिद्धि उसमें काम कर रहा था, वहाँ से टीम गई थी। हरी सिंह ASI, धर्मेंद्र और हंसा महिला कांस्टेबल और सुरेश हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में गई थी। तो मुकेश को हमने डिटेन किया है और एक हमने किया है उमेश पंजाबी को नडियाद से डिटेन किया है। तो इस तरह से इसमें आगे और खुलासे की उम्मीद है। अभी इसमें वांछित है सुरेश दरोलिया, वांछित है एक चार्मी करके महिला का नाम भी आया है इसमें, जो अहमदाबाद निवासी है, वो भी वांछित है। सर, इस तरह की फाइनेंस कंपनियां क्षेत्र में अभी भी सक्रिय हैं, तो उसको लेकर पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का कोई अभियान या कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें अभियान अगर उनकी निगरानी रखी जाएगी, इसमें उनका जो संचालक है उनका सत्यापन वगैरह भी कराएंगे, बिल्कुल उसको रखेंगे, उसका निगरानी। और आम लोगों से भी अपील है आपके माध्यम से कि वो अपना पैसा निवेश करते हैं तो उस कंपनी, उस चिट फंड, उस फर्म के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी रखें अपने पास।